तो लीजिए, आज एक और प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आए हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो आज आपके लिए हम प्रॉपर्टी जो लेके आए हैं वो है DLF Phase 2 में, और 402 स्क्वायर यार्ड्स में ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। और इस प्रॉपर्टी को जब मैं दिखाऊंगा तो आप कहेंगे अल्ट्रा लग्जरी जो प्रॉपर्टी बोलते हैं वो है ये। और ये जो है प्राइम लोकेशन में है गुड़गांव की। ये 4 BHK प्रॉपर्टी है, और इसमें नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग में आपको सर्वेंट रूम मिल जाता है, और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है ये जो है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक हमारे चैनल को, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, और नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कीजिएगा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप या तो सीधा हमें कॉल कर सकते हैं जो मैं नंबर नीचे मेंशन करता हूँ उस पर, या फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन में उस पर कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज की प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ, बेहतरीन प्रॉपर्टी है ये। चलिए इस घर का अब हम होम टूर शुरू करते हैं। तो ये हमारी जो है फ्रंट प्रोफाइल है बिल्डिंग की। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। एंट्रेंस पे अब आपको गेट दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस पे जो है शीट लगी हुई है वुडन वाली, और ये पीछे देख सकते हैं लोहे का गेट है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये और ये दो 402 गज के प्लॉट हैं। ये दोनों आपको दिख रहे होंगे, एकदम सेम बनी हुई हैं ये दोनों। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेंच डली हुई है बैठने के लिए, और ये हमारी जो है स्टिल्ट पार्किंग है। काफी बड़ी पार्किंग है, और इसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो है कॉब लाइट्स लगी हुई हैं। हर फ्लोर के साथ कम से कम 2 से 3 गाड़ियों की पार्किंग मिल जाएगी आपको। और इस साइड में आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे सर्वेंट रूम है, और पीछे का एरिया देखिए कितने अच्छे से यूटिलाइज किया है इनने। सो ब्यूटीफुल बैकयार्ड। ये जो है इस साइड पे आपको दिखा देता हूँ, राइट में आपके जो है मीटर लगे हुए हैं सारे। और चलिए अब एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। अब ये लेफ्ट साइड पे जो है आपकी एंट्रेंस है। सो ब्यूटीफुल एंट्रेंस। और यहाँ पे जो है आपका वीडियो सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है, और एंट्रेंस के लिए यहाँ पे भी कोड सिस्टम है। सो दिस इज़ आवर एंट्रेंस। ये देखिए ब्यूटीफुल शैंडलियर ओवर हियर। यहाँ पे ये वेटिंग एरिया है, सोफे रखे हुए हैं यहाँ पे, और ऊपर देखिए ये फॉल सीलिंग जो करवा रखी है। ये गोल्ड कलर का जो है यहाँ पे फिनिश मिल जाता है स्टेयर्स में,
और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए ये लिफ्ट एरिया है और शिंडलर की लिफ्ट लगी हुई है यहाँ पे। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, स्टेयर्स में जो एलईडी लाइट लगाई हुई है पूरे में, बेहतरीन लग रही है ये। तो चलिए अब लिफ्ट लॉबी की तरफ चलते हैं। मैं आपको जो है सेकंड फ्लोर दिखा देता हूँ। लिफ्ट आ गई है और अब सेकंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देते हैं। तो आ गए हैं हम अब सेकंड फ्लोर पे। दिस इज आवर एंट्रेंस ओवर हियर। ये देखिए डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है ये जो इस पे करवा रखा है। दूर से दिखाता हूँ आपको एक बार, ब्यूटीफुल डोर ओवर हियर। ये यहाँ पे जो डोर हैंडल है इसमें आपको फिंगरप्रिंट वाला ओपन करने का सिस्टम मिल जाता है। और ब्रांड इसकी दिखा देता हूँ, ये देखिए, और डोर दिखा देता हूँ, काफ़ी हैवी डोर है ये। ब्यूटीफुल फिनिश ऑन द डोर, ये जो ग्लॉसी लुक दे रखी है डोर पे अच्छी लग रही है। और जो मैंने नीचे गेट पे दिखाया था ये रहा वो वीडियो सिस्टम सिक्योरिटी के लिए। सो दिस इज अ होम। ये इस साइड पे जो ड्राइंग एरिया है, ब्यूटीफुल शैंडलियर ओवर हियर, लेट मी शो यू। ये देखिए यहाँ पे एसी की फिटिंग मिल जाती है, 1, 2, 3 एसी मिल जाते हैं आपको। और फॉल सीलिंग देखिए अच्छी लग रही है फॉल सीलिंग। और ये सामने डाइनिंग एरिया मिल जाता है आपको। अब फ्रंट बालकनी दिखा देता हूँ आपको मैं। दिस इज अ व्यू फ्रॉम द बालकनी ओवर हियर। और यहाँ पे देखिए ऊपर आपको सीलिंग में वुडन फिनिश मिल जाती है और ये टैप दी हुई है यहाँ पे। और नीचे जो है ग्रेनाइट यूज़ किया हुआ है। ये नीचे देख सकते हैं इंपोर्टेड इटालियन मार्बल यूज़ किया है हाई क्वालिटी का। एक बार आपको मैं ये ड्राइंग एरिया के बाद जो डाइनिंग एरिया है इसकी वॉल दिखा देता हूँ। ये डिज़ाइन देखिए एक बार, वॉलपेपर का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब आपको मैं किचन दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़ी किचन मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और ये देखिए कैफ का जो है माइक्रोवेव और नीचे ओवन मिल जाता है। इस साइड पे फ्रिज की स्पेस मिल जाती है आपको। और ये देखिए आपको दिखा देता हूँ कैफ की चिमनी और कैफ का हॉब मिल जाता है यहाँ पे। अब मैं आपको जो जितनी भी स्पेस अवेलेबल है यहाँ पे किचन में सारी स्टोरेज स्पेस दिखा देता हूँ। ये नीचे देखिए एलईडी लाइट जो है पूरा आगे तक रन कर रही है इसमें, जो नीचे फ्लोरिंग के साथ अच्छी लग रही है यहाँ पे।
यहाँ पे भी नीचे LED लाइट फिट है। एग्जॉस्ट मिल जाता है यहाँ पे क्रॉम्पटन का, और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी हुई है यहाँ पे। बाकी स्टोरेज स्पेस भी देख लीजिए अब आप एक बार। ये यहाँ पे जो आपको AC फिट मिल जाता है, और ये डबल बोल सिंक मिल जाती है आपको। ब्रांड दिखा देता हूँ, विट्रा ब्रांड है यहाँ पे। और ये स्टोरेज स्पेस है, बाकी इस साइड पे भी स्टोरेज स्पेस है आपकी। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस, एंड ओवर हियर आपको कैफ का जो है डिश वॉशर मिल जाता है। तो मैंने आपको किचन दिखा दी है, अब चलते हैं हम फर्स्ट बेडरूम की तरफ पे। ये लॉबी एरिया है बीच का जो बेडरूम की तरफ जाता है। इसमें ऊपर सीलिंग में ये लाइट्स देखिए, दे आर लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। और ये पार्टीशन दिखाना भूल गया था मैं, इसका ये पार्टीशन देखिए, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये जो है पाउडर रूम है यहाँ पे, ऊपर आपको कॉब लाइट मिल जाती है। और इसकी फ्लोरिंग देखिए, एकदम यूनिक सी लगती है फ्लोरिंग। यहाँ पे मिरर मिल जाता है आपको, और ये देखिए गोल्डन कलर की फिनिश में ड्यूरावेट की फिटिंग मिल जाती है आपको यहाँ पे। ये मंदिर के लिए स्पेस दी हुई है यहाँ पे। तो चलिए फर्स्ट बेडरूम से शुरू करते हैं हम। देखिए कितना बड़ा रूम है एंटर करते ही, और इसका साइज जो है मैं रूम का नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। नीचे वुडन फ्लोरिंग मिल जाती है आपको, और AC की फिटिंग मिल जाती है वहाँ पे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसको आप बेड हेड की जो है बैक साइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये वार्डरोब है इसका, एक बार मैं दूर से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, हैंडल जो इसके बनाए हुए हैं। दिस इज़ योर वार्डरोब, और ये ड्रॉअर है यहाँ पे। ये देखिए, तो चलिए अब आपको मैं वॉशरूम दिखा देता हूँ। ब्यूटीफुल वॉशरूम, और यहाँ पे ये गेट के पीछे आपको वार्डरोब मिल जाती है। ये भी खोल के दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये साइड में स्टोरेज स्पेसेस मिल जाती हैं आपको, और यहाँ पे आपको गीजर फिट मिल जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पे विट्रा की जो है फिटिंग है आपके पूरे घर में। एक और जो है यूनिक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे जो ऊपर यूज कर रखा है ना यहाँ पे सीलिंग में पेंट, बहुत यूनिक लग रहा है यहाँ पे। और ये आपका शावर एरिया है, शावर एरिया की सीलिंग दिखाता हूँ आपको। ऊपर ये वुडन फिनिश मिलती है आपको यहाँ पे। तो आपको अब मैं बालकनी दिखा देता हूँ, रियर बालकनी जो है यहाँ पे।
ये सामने देख सकते हैं, सेकंड बेडरूम से भी ये बालकनी कनेक्टेड है और वहाँ पे टैप मिल जाती है कॉर्नर में आपको। तो चलिए आपको अब मैं सेकंड बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, नीचे आपको सेम इटालियन मार्बल मिल जाता है और ऊपर सीलिंग देख सकते हैं आप, यूनिक डिज़ाइंस हैं काफ़ी यहाँ पे। और यहाँ पे एसी की फिटिंग मिल जाती है आपको। ये इस साइड पे जो है वार्डरोब है, एकदम वॉल से मतलब अलाइंड है तो पता नहीं चल रहा है जैसे यहाँ पे वार्डरोब है। ये भी खोल के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये ड्रॉर है यहाँ पे और सारी वार्डरोब्स में जो है एलईडी लाइट मिल जाती है आपको। ये वो सेम बालकनी है यहाँ पे जो मैंने अभी दूसरे रूम से दिखाई थी, रियर बालकनी। तो चलिए अब आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं। ये यहाँ पे वॉल पे आपको टाइल की फिनिश मिल जाती है और ये इस साइड पे मैं आपको दिखा देता हूँ सेम विट्रा की फिटिंग एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑन द मिरर। ये इस साइड भी देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे डिज़ाइन येलो कलर में। और यहाँ पे ग्लास पार्टीशन मिल जाता है आपको शावर के लिए और नीचे स्टोरेज स्पेस दी हुई है। इस साइड भी आपको दिखा देता हूँ। सेकेंड बेडरूम भी मैंने आपको दिखा दिया है, चलिए अब थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये हमारा थर्ड बेडरूम है, काफ़ी बड़े रूम साइजेस हैं यहाँ पे और नीचे सेम टाइल्स और एसी की फिटिंग मिल जाती है यहाँ पे आपको। और ये देखिए डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है, ये हमारा जो बेड हेड होगा इसके पीछे आएगा ये। लाइट की कहीं से भी कमी नहीं है पूरे रूम में और ये फॉल्स सीलिंग टाइप में जो बना रखा है देखिए। चलिए अब आपको मैं ड्रेसिंग एरिया और वॉशरूम की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारा ड्रेसिंग एरिया रहेगा यहाँ पे और वार्डरोब्स दिखा देता हूँ अब आपको यहाँ की। ये वॉशरूम है, ब्यूटीफुल मिरर ओवर हियर। और ये दिखाता हूँ मैं एक सेकेंड, ये नीचे स्टोरेज स्पेस दी हुई है यहाँ पे। सेम विट्रा की फिटिंग यहाँ पे भी और ये डिज़ाइन देखिए मिरर पे आप। शावर का पार्टीशन मिल जाता है यहाँ पे ग्लास का
तो ये भी मैंने आपको बेडरूम दिखा दिया है, और इसकी मैं बालकनी दिखा देता हूँ अब आपको। ये पार्टीशन देखिए, और सामने जो है नीचे जहाँ से एंट्रेंस की थी हमने, ये वो वहाँ का एरिया है। तो मैंने आपको तीन बेडरूम दिखा दिए हैं, तो चलिए अब आपको अब फोर्थ बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं। दिस इज आवर फोर्थ बेडरूम। यहाँ पे एसी की फिटिंग मिल जाती है आपको, और ऊपर देखिए ब्यूटीफुल फॉल सीलिंग। ये सेम बालकनी है जो मैंने शुरू में आपको दिखाई थी, फ्रंट बालकनी, और ये आपका ड्रेसिंग एरिया है यहाँ पे। वार्डरोब्स देख लीजिए आप एक बार। अब आपको मैं यहाँ का वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये इसमें जो है आपको सीलिंग एकदम क्लियर दिख रही होगी, यही सेम सीलिंग आपको जो मैंने पहले दिखाई थी उस रूम में थी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं मार्बल यूज़ किया हुआ है हाई क्वालिटी का, और वॉल्स पे आपको टाइल्स मिल जाती हैं, और गीज़र की भी फिटिंग मिल जाती है। ये ग्लास पार्टीशन यहाँ पे, और विट्रा की सेम फिटिंग मिल जाती है आपको। तो ये थी हमारी आज की प्रॉपर्टी। मैंने आपका जो है पूरा होम टूर करा दिया है, तो मैं अपनी वीडियो यहीं पे ही अब मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो मैं अभी अपना नंबर जो है नीचे मेंशन कर देता हूँ। अगर आप गुड़गांव में कहीं पे भी फ्लोर देखना चाहते हैं, किसी भी तरह का घर देखना चाहते हैं, हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं। प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच।